एक ऐसा मुकाबला जो शायद हम सब देखना चाहते थे, ऐसा नेल बाइटिंग एक्साइटिंग फिनिशिंग मुकाबला जहां नसीम शाह ने जिता तो दिया है, लेकिन नसीम शाह के पाकिस्तान को जिताने के बाद अब पॉइंट्स टेबल का समीकरण किस तरह से नजर आ रहा है, आने वाले मुकाबले किन टीमों में होने वाले हैं, फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंची हैं, सारी क्लैरिटी अब यहां से हो चुकी है। एशिया कप के फाइनल तक का स्केड्यूल अब हो चुका है तय, किस तरह से नजर आ रहा है पॉइंट्स टेबल, क्या है आने वाले मैचेस, किनका महत्व होगा किनका नहीं, एक बार मिनी फाइनल भी खेला जाएगा, क्या है सारी जानकारी, उसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। आज एक और एशिया कप में हमने देखा है नेल बाइटिंग एक्साइटिंग मुकाबला, जिसके बाद शायद ये बात कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि शायद ये एशिया कप वो है जो सबसे बेहतरीन रहा है अभी तक, क्योंकि हर एक मुकाबला यहाँ फंसता हुआ क्लोज जा रहा है। संडे का मैच इंडिया पाकिस्तान का 2 गेंदे 2 रन, ट्यूसडे का मैच इंडिया श्रीलंका का 2 गेंदे 2 रन, और आज हमने देखा नसीम शाह के 2 गेंदे 2 छक्के, जो बताता है कि क्यों ये एशिया कप यादगार रहने वाला है। हालांकि आज यहाँ से पाकिस्तान के जीतने के साथ ये बात कंफर्म हो चुकी है, इंडिया और अफगानिस्तान बाहर हो चुके हैं इस पूरे के पूरे एशिया कप से, और पॉइंट्स टेबल का समीकरण कुछ इस प्रकार है, नंबर 1 पर इस समय श्रीलंका है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है जिन दोनों ने 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं, नंबर 3 पर इंडिया है जिन्होंने 2 में से 2 हारे हैं, नंबर 4 पर अफगानिस्तान है जिन्होंने 2 में से 2 मैचेस हारे हैं। यहां से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले जो मैचेस हैं, यानी कि संडे का जो बड़ा फाइनल है, वहां पे पाकिस्तान और श्रीलंका आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इंडिया बाहर हो चुका है, अफगानिस्तान भी बाहर हो चुका है। आज नसीम शाह के वो 2 छक्कों ने हालांकि पाकिस्तान को जिताया है, लेकिन अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में निराशा का माहौल उसके कारण छाया है, जहां पे अब अगला मुकाबला जो आज शाम को खेला जाने वाला है वो इंडिया और अफगानिस्तान का है, उस मुकाबले का कोई महत्व नहीं है, यहां से सिर्फ एक नॉर्मल मैच होगा और मिनी फाइनल फ्राइडे को होगा, जिस मुकाबले में हम देखेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका मिलेंगे, उसके बाद यही 2 टीमें पाकिस्तान और श्रीलंका सैटरडे के ब्रेक के बाद संडे को आपको देखने को मिलेंगे एशिया कप के फाइनल में 11 सितंबर की शाम को। लेकिन अब यहां से यही बात कंफर्म है, भारत और अफगानिस्तान का सफर यही तक था, इससे पहले बांग्लादेश और हांगकांग ये दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं, और यहां से फाइनल होने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। क्या लगता है आपको, किसके घर जा रही है ट्रॉफी, पाकिस्तान या श्रीलंका, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट वो